हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप पठानिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया तो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अनिल मनकोटिया ने भी एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप पठानिया ने भोटा चौक से लेकर टाउन हॉल तक शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अनिल मनकोटिया ने गांधी चौक पर रैली के बाद नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप पठानिया ने नामांकन भरने के बाद अपनी जीत का दावा किया और कहा कि पार्टी हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाकर विधायक बनूंगा। मैं बहुत हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का भी और कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू का भी, कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कई वर्षों से मेरे पर विश्वास व्यक्त रखते हुए मुझे इस इलाके के विकास के कार्यों में मेरी प्राथमिकता दी उन्होंने, और आने वाले चुनावों में जीतने के बाद भी मैं हमीरपुर चुनाव क्षेत्र के जो विकास के कार्य हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो गरीब पिछड़े लोग हैं और अनएम्प्लॉयड जो साथी हैं उनके लिए कार्य करूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस हमीरपुर शहर के जो विकास का कार्य करूंगा और समस्त लोगों के जब भी मेरे पास कोई लेके आएंगे तो उनके पूरा करने का। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल मनकोटिया ने कहा कि लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों से दुखी हैं और विकल्प के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी को चुनने के लिए तैयार हैं। मनकोटिया ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो सरकारें चुनते हैं, जो विधायक, जो सांसद हम अपना वोट डालकर विधानसभा और संसद के अंदर भेजते हैं, ये वही लोग होते हैं, वो तय करते हैं कि कॉलेज के अंदर टीचर होगा कि नहीं होगा, महंगाई कम होगी कि बढ़ेगी, आम मजदूर गरीब आदमी को उसकी कितनी दिहाड़ी मिलेगी। और जब सारी चीजों को हमने समझने का प्रयास किया तो मैंने ये तय किया कि अपनी जिंदगी में मैं समाज सेवा राजनीति के माध्यम से करूंगा। लेकिन जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म की उसके बाद, जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज तक कांग्रेस और भाजपा का ही शासन यहां पर रहा है, समाज सेवा करने के लिए मैं कांग्रेस और भाजपा या किसी अन्य दल का रास्ता भी चुन सकता था। उन तो तमाम मेहनतकश लोगों को संगठित करते हुए जो है वो आंदोलन विकसित करना है और उन जनता विरोधी जो सरकारें हैं उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठानी है। और हमीरपुर जिला के अंदर ये जो लाल झंडा है, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ हमारी पार्टी के लोगों ने गांव गांव के अंदर जाकर जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसकी समस्याओं को चिन्हित किया और आंदोलन विकसित किया। और आज जब हम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से यहां पर एमएलए का नामांकन पत्र दर्ज करने जा रहे हैं तो इतने ज्यादा संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं, जो आशीर्वाद देने, जो माताएं बहनें बुजुर्ग भाई यहां पर आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस लगन के साथ, जिस उम्मीद के साथ हम लोगों के बीच में गए, आज जिस तरीके से इस गांधी चौक पर आप सब लोग यहां पर आए हैं, मेरा हौसला जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है।